अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 100। और आज का ये जो लेसन है ये आपका बेसिक्स का लास्ट लेसन है। आज के लेसन में हम कमांड्स कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, चाहे वो मॉडलिंग हो, मैकेनिकल या फिर सिविल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आज के बाद जो लेसन नंबर इससे बाद के जो लेसन होंगे और आज तक लेसन नंबर 100 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ऑटोकैड की कमांड्स। तो आज के इस लेसन में हम ऑटोकैड 360 के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि न्यू चीज़ है आपके लिए, और देखेंगे कि 360 का फंक्शन क्या होता है। तो ऑटोकैड 360 जो होता है ये कंप्लीट आपको ऑनलाइन या फिर आपको क्लाउड से आपकी ड्राइंग्स को सेव करता है या फिर आपकी ड्राइंग्स को अपलोड करता है, डायरेक्ट शेयर करता है। तो ये सारे काम आपके ऑटोकैड 360 में होते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ताकि आपकी ड्राइंग्स आप बनाते हो, आप हार्ड डिस्क में डालते हो या फिर अपनी यूएसबीज वगैरह में डालते हो, तो वो आपकी ड्राइंग्स लॉस्ट हो सकती हैं, वायरस की वजह से डिलीट हो सकती हैं, फॉर्मेट हो सकती हैं। तो आप डायरेक्ट अपनी ड्राइंग्स को 360 के एक अकाउंट में अपलोड कर सकते हो, और ये आपको ऑटोकैड जब आप इंस्टॉल करते हो तो 360 सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, और इसमें आपने अकाउंट बनाना पड़ता है अपना, और उसके थ्रू ये सारे काम होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होंगे उनमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, हम कुछ ड्राइंग्स, कुछ मॉडल्स और कुछ 3D मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे, कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अपने लेसन की तरफ चलता हूँ, ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया और यहाँ पे अगर कोई ड्राइंग्स बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं होम में जाके तो कोई भी ड्राइंग्स बनाता हूँ, चाहे 2D की ड्राइंग्स हो, 3D डायमेंशंस की ड्राइंग्स हो, तो आप कोई भी ड्राइंग्स बनाएं, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। और तो आपको यहाँ पे ऑटोकैड 360 का एक फोल्डर, एक टैब मिलेगा यहाँ पे ऑटोकैड 360। तो अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप बस एक तो अकाउंट आपका होना चाहिए और उसके अलावा आप ऑटोकैड में आपने साइन इन होना चाहिए। तो साइन इन आप होंगे तो आप बस यहाँ पे ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। अगर ऑप्शन है फिर भी आपने यहाँ पे साइन इन होना मस्ट है आपने। तो साइन इन होने के लिए जो हमने शुरू में ऑटोकैड को इंस्टॉल किया था, तो डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के लिए हमने कुछ अकाउंट बनाया था ऑटोकैड का, तो वो जो अकाउंट है वो आपने यहाँ पे देना है, वो वाला ईमेल और वो वाला पासवर्ड देना है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है जी शेयर डॉक्यूमेंट्स। तो शेयर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें, तो उसके लिए शेयर पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। तो शेयर डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए मेरे पास एक फोल्डर है, कोई भी फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 के नाम से एक ड्राइंग है या कोई और ड्राइंग है, जो भी आपने ड्राइंग्स बनाई हुई है। तो वो जब आप यहाँ पे सेव करते हैं शेयर के लिए, जब आप यहाँ पे सेव करेंगे ड्राइंग्स, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके ऑटोकैड 360 में शेयर हो जाएगी। देखिए ऑटोकैड 360 का एक अकाउंट है अलग से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है आपकी ड्राइंग, चाहे आप डेस्कटॉप पे बनाएं, जहाँ कहीं भी आप सेव करते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके ऑटोकैड 360 में शेयर हो जाती है, फिर आप ऑटोकैड 360 में इसको डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं। तो शेयर का ये फंक्शन है। उसके बाद ओपन लोकल फोल्डर है आपके पास, तो आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे देखें ऑटोकैड ऑटोडेस्क 360 का हमारे पास एक फोल्डर है, क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपने ड्राइंग्स आपकी सारी की सारी सेव होती हैं, और ये डायरेक्ट क्लाउड के थ्रू आपका ये जो जितना भी डेटा होता है वो आपका ऑनलाइन आपके एक साइड में एक अकाउंट होता है, वहाँ पे ये अपलोड करता रहता है। तो वो अकाउंट कहाँ पे है वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं, आपका ये फोल्डर है, तो ये फोल्डर आप देखें, तो आपके पास यहाँ पे जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर बन जाएगा ऑटोडेस्क 360 के नाम से, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो है जी आपके पास ओपन ऑटोडेस्क 360 पे क्लिक करें, तो ये आपको ऑनलाइन ओपन हो जाएगा आपका ऑटोडेस्क। क्लिक करें तो इंटरनेट से देखें आपके पास अकाउंट क्या ओपन हो जाएगा ऑटोडेस्क का। इसके अंदर आप अपनी ड्राइंग्स जितनी भी हो, ड्राइंग्स आप अपलोड कर सकते हैं और आप ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स अपने देख भी सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास मेरा ये अकाउंट बना हुआ है ऑटोडेस्क में, और ये ऑटोडेस्क ड्राइव है, और यहाँ पे कंप्लीट आपकी कह रहा है ऑल एक्टिविटीज़ जो जो आपने काम किए वो सारे यहाँ पे अपडेट आइटम्स हैं, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक जो होते हैं यहाँ से आप अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पे अपना फोल्डर, या फिर अपलोड नाउ पे क्लिक करें,
ड्रैग कैसे करेंगे अपना फोल्डर या फाइल, उसके लिए आप यहाँ पे देखें, क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे ऑटोडेस्क की फाइल पे जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है। मेरे पास अभी यहाँ पे फोल्डर कोई सेव नहीं है, तो मैं डेस्कटॉप से एक फोल्डर उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ अपने इसमें डी डब्ल्यू फाइल एक मेरे पास यहाँ पे है और एक यहाँ पे रेंडर। दो फाइल इन दोनों कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और मैं ऑटोडेस्क 360 में लेके जाता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट जो फाइल्स हैं मेरे पास अपलोड होती जाएंगी इसमें, तो ये कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम भी लगा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी जो फाइल्स हैं अपलोड हो जाती हैं यहाँ पे। और उसके अलावा आप ड्रैग करना चाहें फोल्डर, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ड्राइंग उसको डायरेक्ट आप ड्रैग करना चाहते हो, क्लिक करें यहाँ पे, तो मेरे पास ये 1 2 3 वाली एक फाइल है, उसको उठा के मैं यहाँ पे इसके ऊपर ले आता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे इसके ऊपर अपलोड हो जाएगी, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके ले जाता हूँ और डेस्कटॉप पे, एंडर वाली फाइल है सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये देखें अपलोड होना स्टार्ट हो रही है, रेंडर PNG फॉर्मेट है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पे, तो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है फाइल और ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाती है। और अकाउंट में कहाँ पे आती है, डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी फाइल्स होती हैं यहाँ पे सेव होती हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं, देख सकते हैं। और यहाँ से अपने शेयर करना चाह रहे हैं, कोई शेयर करना चाह रहा है आपको या आप किसी को शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल को, शेयर विद मी है, और तो यहाँ से अपने शेयर करना चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल्स को आप शेयर कर सकते हैं, अपलोड करना चाहे फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाना चाहें, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कॉपी का कह रहे हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड 360 का एक और साइट है, इसमें भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो ये ऑनलाइन आपका ब्राउजर है, इसमें आप एडिटिंग करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन, अपनी फाइल्स में एडिट करना चाहें कोई चीज़, अपनी फाइल को रीड करना चाहें, देखना चाहें, तो ये सारे काम यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता है कि आपने सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना चाहें या फिर टैबलेट्स वगैरह में यूज़ करना चाहें, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड्स दी जाती है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको लॉग इन होना ज़रूरी है। लर्न मोर पे क्लिक करके आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है, डाउनलोड iOS एप्स हैं, एंड्रॉइड एप्स हैं, और ये आप एप्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सिंपल आपके ऑटोकैड की एप्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन फीड पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन फीड आपके पास सामने ओपन हो गई है, जो कि आपके पास फर्स्ट टाइम भी ओपन होती है, इमेज है, पोस्ट वगैरह है, और यहाँ से आप देखें स्टेट पोस्ट हैं, इन्वाइट भी ऊपर है, लोगों को आप इन्वाइट करना चाहें इस ऑटो के डिस्क में तो आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हैं, और कोई पोस्ट करना चाहे अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना चाहे पोस्ट कर सकते हैं, और अपनी ड्राइंग्स को यहाँ से आप सिलेक्ट करें, देखें क्लिक किया मैंने इसको, और यहाँ से अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करूँगा मैं, सिलेक्ट किया, ये कैप्चर हो गया मेरे पास ये ड्राइंग, तो इसको मैं यहाँ से पोस्ट कर सकता हूँ किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी मैं कैप्चर करके इसको मैं पोस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आप यहाँ से पोस्ट करना चाहें अपनी ड्राइंग्स को फेसबुक में, जहाँ कहीं पोस्ट करना चाहें तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, लेकिन ये जाया नहीं रही, तो उसके लिए दोबारा डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट है बस यहाँ पे कैंसिल कर दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगी। और नेक्स्ट आप पास ही सिंक्रोनाइज माई सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से अपने जो है तो 360 की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स इसमें दे भी सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं सिंक्रोनाइजिंग सेटिंग्स, सेटिंग्स में क्या क्या होता है आपको बताता हूँ, कि आपने आप चाहते हो कि आपके ऑटोमेटिकली क्लाउड्स आप जो भी चीज़ सेव करो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चली जाए आपके ऑटोडेस्क 360 में, इसके अलावा और भी जो सेटिंग्स हो आप यहाँ से इसमें चेंजिंग कर सकते हो। देखिए ऑप्शन है,
कस्टमाइज फाइल्स है, प्रिंट सपोर्ट्स है, पैटर्न्स है, टूल पैटर्न्स है, ड्राइंग्स वगैरह हैं, तो ये आप सारी सेटिंग्स की चेंज कर सकते हो। तो ये जी आपके पास ऑटो कैड 360 के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ ऑनलाइन काम है इसके, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे जो कि हम प्रैक्टिकली वक्त के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।